मुजफ्फरपुर जिले के एलएस कॉलेज गेट स्थित कैरियर प्लानर और लाइंस क्लब शाखा के 65 बच्चों ने एसएससी रेलवे और बैंकिंग में सफलता हासिल की है। बच्चों के लिए सम्मान सभा का आयोजन भी किया गया। चीफ डायरेक्टर भूपेश कुमार ने कहा कि 31 मार्च तक यह आंकड़ा 80 के करीब पहुंच जाएगा। यह मुजफ्फरपुर के लिए वाकई गर्व की बात है। लाइंस क्लब मुजफ्फरपुर शाखा में हमने बच्चों के लिए जो नौकरी पाए हैं उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन हम लोगों ने यहाँ पे किया था। इस फिनांशियल ईयर में मुजफ्फरपुर ब्रांच से कुल अभी तक 65 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बैंक, एसएससी और रेलवे सरकारी नौकरी में, जो मुजफ्फरपुर की धरती के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये बच्चे बधाई के पात्र हैं। 31 मार्च को ये वित्तीय वर्ष खत्म होगा और ये सारे बच्चों को, जब मुझे लगता है इस ब्रांच से करीब 80 बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए इस फिनांशियल ईयर में, जिनका एक वार्षिक ये सफर तो मुश्किल था क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम भी दिया और बहुत सारा अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट भी रहा मेरा, लेकिन कैरियर प्लानर के बाद जुड़ने से, उसके बाद अलायंस क्लब में मेंबर बनने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ के मेंबर्स और यहाँ के ग्रुप में इतने कंफर्टेबल जोन थे। मैंने हर अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट को मैंने सक्सेसफुल में बदला और आज मैं RIDPO और LIC असिस्टेंट दोनों में मैं सफल हो चुका हूँ। और मैं कैरियर प्लानर और अलायंस क्लब दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेश सर को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जनरेट किया जहाँ हम जैसे लोग आए और अपने सफलता को, उस मुकाम को हासिल कर सके। परिचय दे दिया। मेरा नाम शंकी सलूजा हुआ, मैं मुजफ्फरपुर निवासी हूँ।